हाथरस की घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना पर पीतमपुर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, शहर महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर कार्यालय में घटना के विरोध और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रैली निकाली गई। साथ ही राष्ट्रपति और राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। रैली में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री प्रभा बालमुकुंद सिंह गौतम, महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव विजेता त्रिवेदी, कविता त्रिवेदी, टोनी छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और पदाधिकारी उपस्थित थे। हाथरस के लिए इतना ज्ञापन सौंपा गया है क्योंकि मनीषा वाल्मीकि जो एक कन्या थी, 19 साल की लड़की, उसके साथ बलात्कार करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके हाथों, दांतों और जबान को काट दिया गया और रातों रात अंतिम संस्कार किया गया। उसके परिवार वालों को भी नहीं दिया गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। आदित्य जी और योगी जी को लड़की का वो नहीं मालूम है कि लड़की क्या होती है। अब हम लोग से पूछिए कि लड़की का, उन लोग की तो मालूम ही नहीं कि योगी जी और इन लोगों, हमें इंसाफ दिया जाए और उन लोग को फांसी दी जाए। महिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, युवक कांग्रेस तत्वाधान में कलेक्टर साहब को और ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम के नाम और राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मनीषा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई है। जिस क्रूरता से और निर्ममता से उसकी हत्या की गई है, उसका बलात्कार किया गया, एक बहुत ही निंदनीय घटना है सभी समाज के लिए। इसका कांग्रेस पार्टी और सभी समाज घोर निंदा करते हैं।